तो गाइस चलते हैं एच एस श्रीवास्तव बोटानिकल गार्डन के अंदर। वाह, स्टार पाइन, गोल्डन बॉटन ब्रश एंड डिपार्टमेंट, अच्छा प्लांट एंड साइंस डिपार्टमेंट है सामने। तो यहाँ पर बच्चे रिसर्च करते हैं। पिस्ता फ्लेवर्ड इन जटाओं के बीच में से निकलते हैं। कमल के फूल का कितना बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए कुमुदनी, आपने नाम सुना होगा लेकिन पेड़ भी देख लें आप। ऐसे में गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ओपन जिम है, फिट इंडिया। जैसे कि हमारे बरेली में ओपन जिम खुलती चली जा रही है रॉयल एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी करी थी उसके आसपास ही है। मतलब काफ़ी कुछ डेवलप हो रहा है रॉयल एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी में। लगभग मैं एक साल बाद आया हूँ, मैं पिछली बार 15 अगस्त को ही आया था ना। नहीं, 26 जनवरी। तो गाइस मैं 26 जनवरी को आया था और यहाँ पर झंडा फहरा था, और आज मैं फिर 15 अगस्त को आया हूँ। तो मनु ऐसे ही लाता रहेगा ना। ये वीडियो ये अटल सभागार है। तो गाइस देख सकते हैं अटल सभागार है, ठीक है। तो देखिए गाइस हम जा रहे हैं पिछले गेट की तरफ। इनक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? नरिश करना होता है। नरिश करना होता मतलब आपकी। तो ये देखिए यूनिवर्सिटी की ग्रेड कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ रुक जाएगी, ठीक है। ये बोटेनिकल गार्डन है, एच एस श्रीवास्तव बोटेनिकल गार्डन। हाँ, तो इसमें के अंदर बस ये गार्डन। तो गैस चलते हैं एच एस श्रीवास्तव बोटेनिकल गार्डन के अंदर। ऑस्ट्रेलियन पाइन, कौन सा वाला? ओहो, ये ऑस्ट्रेलियन पाइन है जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। और गाइस देख सकते हैं ये है चाइना पाम, जैसा कि मनु बता रहा है मुझे तो नहीं पता, यहाँ पे लिखा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। स्कैन भी कर सकते हैं क्यूआर। अच्छा, क्यूआर से स्कैन भी कर सकते हैं। और क्या इसका साइंटिफिक नेम है? ये इंग्लिश नेम है इसका। साइंटिफिक नेम क्या है? अशोका। साइंटिफिक नेम सार का अशोका। इंग्लिश नेम अच्छा अपना अशोक है। और फेवरसेंस, वेरी गुड। सर्पगंधा का पेड़ है ये। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज के बोटेनिकल गार्डन में पेड़ देखने को मिल जाएंगे। क्या है पता नहीं मुझे, यूफोरबिया मिली क्राइस्ट्रॉन। बहुत सारे यहाँ पर हैं, इतने सारे पेड़ के तो हम लोग तो नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे मेन देख लेंगे हम। बाकी ये बोटेनिकल गार्डन काफी अच्छा रॉयल एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना हुआ है। ये है फूल के पेड़, स्कॉलर ट्री। कौन सा वाला ट्री? स्कॉलर ट्री। अरे वाह, ये स्कॉलर ट्री है। मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटीज के यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे ट्रीज। और ये तो अपना सदाबहार है। ये है चांदनी। अच्छा चांदनी है, चांदनी का पेड़। ओहो कितना सुंदर लग रहा है। वाह, ये बड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन पाइन देखिए, ये बड़ा हो चुका है। ये अभी हमने जो छोटा सा देखा था स्टार पाइन, छोटे छोटे गोल्डन बॉटन ब्रश, मतलब बहुत सारे ये खस की वो है ग्रास, खस ग्रास लिखा है। खस ग्रास, अच्छा खस ग्रास। इसकी क्या खासियत होती है? वो कोशिश वो वाला तो नहीं है, खसखस कुछ तो नहीं। कुछ जो बनाए जाते हैं, मैंने पंडित जी के पास देखे थे कुछ पहने हुए थे, शायद इसका जो नहीं बनता। अरे हो सकता है, आप इतना तो नॉलेज नहीं है। सिल्वर ओक, ये जो ऊपर बना हुआ है ऊपर की तरफ निकला हुआ। गाइस यहाँ पर बहुत सारे ये कैक्टस के पेड़ लगे हुए हैं। कैक्टस है क्या? मैक्सिमम कैक्टस ही है क्या है ये? ओहो, बड़ी डिफरेंट वैरायटीज के कैक्टस हैं, बट यहाँ पे अंदर जाने की थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं वैसे ही बाहर से देख रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ कैक्टस डिफरेंट वैरायटीज के हैं, देख सकते हैं आप। और उधर भी लगे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कि ये अपना ये कौन सा? सूरजमुखी। वाह, सूरजमुखी। तो गाइस ये है नीम का पेड़, वो आड़ू का पेड़ है। आड़ू का कहाँ है? तो गाइस ये देखिए जो हम लोग आड़ू खाते हैं ये उसका पेड़ है। मतलब बहुत कुछ सारे पेड़ हैं यहाँ पर। स्पाइसेस कहाँ? स्पाइसेस देखते चल गए, क्योंकि स्पाइसेस अपने होना बड़ा मुश्किल है। तो गाइस स्पाइसेस की तरफ चलेंगे, स्पाइसेस जरूर देखेंगे, क्योंकि स्पाइसेस तो मैक्सिमम हम लोग केरला से लेते हैं। गाइस ये है एप्पल का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ। हम लोग आ रहे हैं स्पाइसेस वाले सेक्शन में। तो गाइस देख सकते हैं अजवाइन का पेड़। तो गाइस देख सकते हैं कपूर का भी पेड़, जो कि आपने देखा नहीं होगा, ये है कपूर का पेड़। अरे अच्छा, हर्बल्स, ये है सतावर। अच्छा ये सतावर है। ये सतावर की। ओहो,
सामने बायो स्टडी करते हैं बच्चे जायफल पे और इस पे, तो यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। प्लांट एंड साइंस डिपार्टमेंट है सामने, तो यहाँ पर बच्चे रिसर्च करते हैं, तो उसके तहत ये सब कुछ लगाया गया उसी डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पर। और ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, अच्छा हर सिंगार का पेड़, ये हर सिंगार का पेड़ है। और ये फूल देखिए बिल्कुल डिफरेंट वेराइटीज के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। चल तो गाइस देखिए ये जो है सर्पगंधा का पेड़ है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये। तो गाइस देखिए ये है पिस्ता का, पिस्ता क्लेवर्ड। तो गाइस अरबी का पेड़ है, इसकी डिज़ाइन देखें पेड़ की कितनी बढ़िया कटिंग कर दी है। बहुत सारे पेड़ हैं गाइस यहाँ पे, हम लोग तो पता भी नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे पेड़ अच्छा जी। कोई पेड़ काट दिया गया जमीन से, बिल्कुल गिर गया होगा तो काट दिया होगा। और ये बहुत सारे हैं सिंदूर ट्री, सिंदूर सिंदूर का भी ट्री होता है गाइस, देख सकते हैं ये है ऊपर सिंदूर का ट्री। मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से रोड आ जाएगी। ओहो इसके पीछे जो हम लोग बाहर से देखते हैं, ओहो इसकी कितनी भयंकर जटाएं निकली हुई हैं पेड़ की, इन जटाओं के बीच में से निकलते हैं। कैसी जटाएं लटक रही हैं पेड़ की, ये जटाएं किस चीज़ से निकल आती हैं? कमल दिखेगा आपको सामने। तो गाइस ये देखिए छोटे छोटे पौंड बना रखे हैं कमल के फूल के लिए। तो देखिए मनुलाल यहाँ आते रहते हैं तो हमें भी घुमाने आए हैं। तो ये है बीच में कमल का पौंड, अरे वाह ये छोटा सा पौंड बना रखा है तो इसमें उन्होंने कमल उगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं पार्क के, यहाँ से भी देखिए कमल के फूल का कितना बढ़िया लग रहा है। गाइस देखिए कुमुदनी, आपने नाम सुना होगा लेकिन पेड़ भी देख लें आप, कुमुदनी का ऐसा होता है, ये पौंड बना दिए छोटा सा तो उसमें कुमुदनी उन्होंने लगाई हुई है और यहाँ लिखा भी है कुमुदनी। अच्छा दिन का राजा, एक रात की रानी होती है और ये दिन का राजा है। गाइस ये बैठने की जगह है, मनुलाल यहाँ बता रहे हैं हम लोग खाली टाइम में यहाँ बैठ जाते हैं। और ये कौन सा पेड़ है? ये लिखा हुआ है नीचे जो भी है। ओहो इतना बड़ा सा पेड़ है, एक बोर्ड गिर गया, लो उस पर कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं लिखा इसलिए गिरा हुआ है, तो पता नहीं किसका है लेकिन है बहुत अच्छा। क्या लिखा? अंजीर। अच्छा अंजीर का पेड़ है। ओहो तो गाइस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पार्क है, तो हम लोग भी लेट हो जाएगा तो इसलिए हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आज थोड़ा घर पे भी बच्चे आ रहे हैं। हाँ व्यू बहुत अच्छा, सफ़ेद फूल और पिंक फूल के बीच में, चलो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। सफ़ेद फूल पिंक फूल, सफ़ेद और पिंक फूल और बीच में वो ऐसे डिजाइन खड़े हो जाइए। तो गाइस चलते हैं बोटेनिकल गार्डन से, तो गाइस चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो गाइस हम लोग खड़े हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आए थे आज महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, तो चलिए चलते हैं। अब रेड वन क्या आ रहा है, शो चल रही है नीला? ना ना सुनो ऐसे अच्छा गाइस, तो मैं 26 जनवरी को आया था, तब भी इसमें क्या होता है आई थिंक मुझे अभी हाँ पता नहीं, लेकिन व्यू आ रहा है इधर से बढ़िया।